नमस्ते मेरे सभी भाई बहनों को, मेरा राम राम और नमस्ते। आज मैं एक बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी नाश्ता बनाऊंगी। उसको मेरा नाम मैंने उसका नाम है पनीर, और पनीर पालक चाट। तो पनीर को मैंने पालक को मैंने अच्छे से धो लिए हैं और उनको छोटे छोटे कुचल भी लिए हैं, मैं ये चाकू से काट लिए हैं। तो इनको मैं इसमें डाल देती हूँ। एक मुट्ठा पालक लिया है पूरा, ये थोड़ा सी पालक हम रखेंगे, इतने मैंने काट के रख लिए हैं। इसके अंदर में मैं प्याज भी डालूंगी, थोड़ी हरी मिर्ची थोड़ी सी, थोड़ी अदरक के टुकड़े, ये हम इनको उबाल लेंगे थोड़ी सी। अब इसमें जरा सा पानी डाल देती हूँ, बस इतने पानी से हो जाएगा। पालक, प्याज और अदरक के टुकड़े, अब मैं इनको अच्छा, अब ये पनीर है इसको हम थोड़ा सा ओवन में रख के एक मिनट के लिए ओवन में गर्म कर लेंगे, तो ये मुलायम हो जाता है। गैस में भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन मैं एक बार इसको ओवन में रख रही हूँ एक मिनट के लिए। पनीर को गर्म कर लेने से वो मुलायम हो जाता है। अगर ताज़ा पनीर हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन अगर बाजार का पनीर हो या का पहले दिन का बनाया हुआ हो तो आप उसको थोड़ा सा गर्म कर लोगे तो मुलायम हो जाता है और अच्छा लगता है। इतने हम इसको मैश कर लेते हैं आलू को। ये मैंने 6-7 आलू लिए हैं, इनको मैं मैश उबाले हुए हैं सब, इनको मैं मैश कर देती हूँ। और इसमें मैंने रखा है यहाँ पर दो ब्रेड पीस के रखी है, ये इसी में मिलाऊंगी, ये तैयार करेंगे, इतने में हमारे ये पालक तैयार हो जाएगा। बस थोड़ी मिर्ची, थोड़ा भुंजा हुआ जीरा, काला नमक, काला नमक डाला, ये सब अपने इच्छा के अनुसार, चाट मसाला, और थोड़ा भुंजा हुआ जीरा है ये। ये थोड़े पत्ते भी मैं डाल रही हूँ इसमें, कटे हुए पत्ते भी इसके अंदर, थोड़ी पुदीना की पत्ती भी है। थोड़ी हरी मिर्ची, अब मैं इसको सबको मिक्स कर देती हूँ एक साथ में। प्याज, पालक, ये हमारा तैयार हो गया, अदरक, ये सब तैयार हो गया हमारा। अभी हम इसको मिक्सी में डाल के पीस लेते हैं, और जो मैंने पनीर रखी थी उसे भी निकाल देती हूँ।
थोड़ा सा गर्म कर लेने से पनीर बहुत अच्छी मुलायम हो जाती है, ताज़ा हो जाती है। अब इसको एक बार पीस लेते हैं। इसमें पानी नहीं डालेंगे। अब इसमें ये पीस के मेरी तैयार हो गई है पालक। अब मैं इसमें थोड़ा नमक डाल देती हूँ, हल्की, थोड़ा अदरक, हरी मिर्ची डाली हुई है। अब मैं इसको मिक्स कर देती हूँ। इसमें प्याज है, पालक है, अदरक डाला है, नमक। अब ये देखिए, मैंने ये पालक, ये पनीर जो हमारी तैयार हुई है, इसको मैं थोड़ा काटूंगी। ऐसे आप इसको महीन महीन पतले पतले पीस कर लो। ये देखो, ये इस तरह से मैंने पतले पतले काट लिए हैं। अब इसके ऊपर मैं ये डालूंगी। पालक वैसे भी बहुत हेल्दी है, हमारे शरीर के लिए खून साफ करता है और उसमें बहुत फायदे हैं, पेट भी साफ करता है। अब इसको मैं इसके ऊपर इसको ऐसे डाल दूँ। इस तरह से मैं इसको सबको बना के रखती हूँ। देखिए, पनीर तो तैयार कर लिया मैंने। अब हम हाथ से इसको इस तरह से पतला पतला बनाएंगे एकदम। इसके अंदर मेरे ये ब्रेड का जो ब्रेड भी पीस के डाला हुआ, आलू में थोड़ी ये धनिया है, पालक की पत्तियाँ भी है, थोड़ा नमक सब है। इस तरह सब मिक्स कर लिया। आप टेस्ट कर लीजिए, आपको आप अपने अनुसार। इस तरह से हम करके इसको थोड़ा सा चिकना लगा लेते हैं, पतला करना हमको आलू का। अब इसके अंदर में हम ये बीच में ये रखेंगे इसको। इसके चारों तरफ हम आलू लगाएंगे पतला करके। ये सीखने के बाद में इतनी कुरकुरी लगेगी और टेस्टी लगेगी, तो आप सोचोगे कि कितनी अच्छी बनी हुई है ये चीज़। इसके साथ मैं गैस चालू कर लेती हूँ इसको बना के। और भी पीस बना लेते हैं हम। ये बटर रखा है मैंने, बटर से थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है। इसको मैं पतला ही करना, जितना ही पतला हमसे हो सके इस तरह से पतला पतला कर लेते हैं। खाओगे आप, बनाओगे, बहुत टेस्टी लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। ये पल्ला पालक और ये आपका तो अंदर ही चला गया, ये ऊपर से हम इसको फिर कवर कर देते हैं आलू से। अभी मैं इसको सेकूंगी तो थोड़ा थोड़ा बटर डाल देते हैं तवा पर। धीमी धीमी ताव में सिकते रहेंगे और कुरकुरे भी हो जाएंगे, खूब कुरकुरे हो जाते हैं। नाश्ता में सुबह के नाश्ता में खाइए, चाहे आप शाम को नाश्ता में खाइए, बच्चों को टिफिन में डाल सकते हैं। छोटे बच्चे भी बहुत चाव से खुश खुश से खा के आएंगे इसको। अगर आपको सुबह समय नहीं मिल सके अगर, तो आप इसको शाम को भी बना के फ्रीजर में रख देंगे, तो ये अभी तैयार, सुबह बनाने में आपको आराम हो जाएगा। बस इसी तरह से बनाना है हमें सबको, बस संभालना कि थोड़ा नीचे चिपक नहीं जाए। अब चारों तरफ से हम इसको ऐसे कुरकुरा कर देंगे।
ये देखिए हमारे दोनों तरफ से मैंने सेक लिए हैं इसको, बस इसी तरह से मैं दोनों तरफ से सेकना फ्राई करूँ। ये खाने में बहुत कुरकुरे, हेल्दी और टेस्टी भी है। अब हम इसको निकालते हैं। जैसे उलट पुलट करते रहना है आपको, जैसे आप चटनी मिलाइए। इस तरह से कटिंग कर देते हैं थोड़ा, तो ठंडा हो जाएगा। अब ये मेरी इमली की चटनी है, धनिया की चटनी है। अब इसमें अंदर सब मसाला डाला हुआ, ऊपर से कुछ डालने की अब जरूरत नहीं है। ये अपने आप में पूरा चटपटा है। इसको देखिए आप इस अंदर से कैसे लग रहा है। ये देखिए मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा ऐसे कर दिया है, अंदर से भी बहुत सुंदर लग रहा है। ये देखो, अब आप खाओगे बनाओगे तभी पता चलेगा आपको कि क्या टेस्ट है इसका। तो आप इसको बनाओ, खाओ, खिलाओ। तो मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और मुझे अपने आइडियाज दो कि आप खाने के बाद में आपको कैसा टेस्ट आया। धन्यवाद।